नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसके अंदर में आप लोगों को पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा खुद ट्रेडिंग के लिए आएगा, ब्रोकर खुद आपको पैसा देगा। बट उसके लिए आपको सबसे पहले ब्रोकर को कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो रवि भाई से तो अच्छा मैं ऐड ही नहीं कर लेंगे। चलो मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो जैसे मान लीजिए मेरा धन का प्लेटफॉर्म है और मेरे पास में इधर कोई पैसा शेष नहीं है। मेरे को क्या है कि मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 17,920 रुपए है। मैंने सोचा था जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी तो मैंने सोचा था कि आज इस पैसे को इन्वेस्ट कर देता हूं, शायद मुझे कुछ पैसा मिल जाए। जब मेरे को ट्रेडिंग आ जाएगी तो मैं इस पैसे को निकाल करके अच्छा खासा ट्रेडिंग में भी मुनाफा कमाऊंगा। बट क्या हुआ कि आज मुझे ट्रेडिंग तो सीख ली बट इन्वेस्टमेंट भी अच्छा प्राइस मेरे को दे रहा है और मैं इस इन्वेस्टमेंट को निकालना भी नहीं चाहता और मेरे पास में इस पैसे के अलावा कोई और पैसा शेष बचा ही नहीं है। तो कैसे मैं इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी, पैसा ना होते वक्त भी मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं? इसे कहा जाता है एक तरीके से, आप अगर कभी भी नॉर्मल वर्ड्स में बोले तो उधारी, लोन, राइट। बट अगर यही वर्ड इस तरीके से आपका ही पैसा आपको वापस दिया जाए बट जो आपने खरीदी कर रखी है उसको आप गिरवी रख दो। आप मैंने इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द शेयर्स के मैंने गिरवी रख दिए, कोई होना चाहिए खरीदने वाला, तो ब्रोकर को भी पता है कि कंपनी लीगल है, इसने जो खरीदा है हमारे प्लेटफॉर्म में दैट इज अ लीगल प्राइस। तो ब्रोकर फटक से बहुत ही इंजॉयबल तरीके से आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। धन में एक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर में एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जिसका नाम है प्लेज अनप्लेज। प्लेज का मतलब होता है दोस्तों गिरवी रखना। किसी भी एसेट को, किसी भी सिक्योरिटी को आप गिरवी रखते हैं ब्रोकर के पास में। जैसे मान लीजिए अशोक लेलैंड, विप्रो, इंफोसिस, एसिलटेक, ये जितने भी हैं दोस्तों, ये सारे के सारे और कुछ नहीं है दोस्तों, ये सारे के सारे सिक्योरिटीज हैं। इन सिक्योरिटी को आपने खरीदा हुआ है, इसकी नेट वर्थ आपकी बनती 3 लाख और मुझे अर्जेंट 3 लाख की जरूरत है तो मेरे को ये स्टॉक निकालने भी नहीं है, घर भी बेचना नहीं है मेरे को, पैसा भी मिल जाए और घर में भी रह लूं। तो मैंने 3 लाख की कुल वैल्यू के शेयर ब्रोकर को रखवा दिए हैं कि जब मुझे ये पैसा मैं तेरे को वापस कर दूंगा तो ये मेरा शेयर वापस कर दियो। तो धन आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसका नाम है प्लेज अनप्लेज। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों प्लेज और अनप्लेज का मतलब होता है। जब आप किसी चीज को गिरवी रखते हैं तो उसे प्लेज बोलते हैं और जब आप उसे उतने ही पैसे डिपॉजिट कर देते हैं उसे अनप्लेज बोलते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत सरल है। अगर आपके पास में पैसा है और आप चाहते हैं कि इसको प्लेज करके कुछ पैसा आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मंगा के ट्रेडिंग करके वापस उस पैसे को यूज कर लीजिए, तो मैं आपको सरल तरीके से बताता हूं। आपको सबसे पहले धन में अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करने के बाद में आज आपको ट्रेडिंग नहीं आती बट आपके पास पैसा है 4 लाख रुपए, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हो। करने के बाद में अब उन पैसों से ट्रेडिंग करनी है, मुझे उस पैसे को निकालना नहीं है, बस मुझे ब्रोकर उसमें से कुछ अमाउंट दे दे। तो याद रखना इस पूरे 17,920 रुपए पे नहीं, जो करंट वैल्यू चल रही है, तो 16,935 रुपए पे मेरे को धन, जो एक ब्रोकर है जिसमें मेरे शेयर्स हैं, वो मुझे इसके कुछ परसेंटेज अमाउंट ही मुझे देगा, सारा पैसा नहीं देगा। ऐसे तो आप घर बेच के जा रहे हैं तरीके से, घर की वैल्यू है आज आपकी 16,930, ये वैल्यू आप आज ब्रोकर को रखवाओगे, इसका कुछ परसेंटेज आपको देगा। ब्रोकर जनरली 70-90% तक देता है और उसका कुछ चार्जेस भी लेता है। अब मान लीजिए रवि भाई कल ने अगर ये स्टॉक और भी बढ़ता है तो क्या वो पैसा देने के बाद काम चल जाएगा? ऑफ कोर्स। आप जैसे मान लीजिए इसने मेरे को 17,000 मैंने रखवाए थे और मेरे को इसने जो दिए हैं वो 15,000 दिए, तो आप 15,000 वापस कर दीजिए, आपको 17,000 के स्टॉक वापस मिल जाएंगे। यहाँ जो वैल्यू है कितने नंबर ऑफ स्टॉक है, जैसे मैं पोर्टफोलियो में जाता हूँ तो मेरे को उस ही दिन के 100 रुपए के हिसाब से स्टॉक मिल जाएंगे। ये वैल्यू शिफ्ट होती रहेगी, जस्ट आपको पैसा वापस करना जो पैसा आपने गिरवी लिया था, ब्याज के साथ में ब्याज कट लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताता हूँ कैसे इसको प्लेज किया जाता है सो दैट आप ट्रेडिंग कर पाओ। सबसे पहले आपको धन के प्लेटफॉर्म में आकर के मनी वाले सेगमेंट में जाते हैं जहां आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं।
मनी पे क्लिक करेंगे तो मनी पे क्लिक करने के बाद में आपको यहां लिखा हुआ है कि आपके पास कितने रुपए के शेयर्स हैं। इन शेयर्स पे आपको अगर आप आज के आज अगर अपने मार्जिन्स को प्लान करवाते प्लेज करवाते हैं तो प्लेज करने वक्त पे आपको 13,556 रुपए आपको मिलेंगे। कितने रुपए पे दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें कितने रुपए पे आपके पास कितने रुपए हैं, ये है 17,920 रुपए। आपको कितने रुपए मिल रहे हैं इसके बिहाफ में, 13,556 रुपए आपको मिलेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि आपको इंस्टेंटली 15 मिनट में मार्जिन मिल जाएगा आपके अकाउंट में। आप इस मार्जिन को बाइंग शेयर, बाइंग ऑप्शंस और सेलिंग में भी यूज कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में आप इसमें मार्जिन किसी भी एक्सचेंज पे यूज कर सकते हो, सारे एक्सचेंज है, और सेल एनी टाइम विद ऑटोमेटिकली अनप्लेज, आप इसे अनप्लेज भी कर सकते हो। तो प्लेज कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां लिखना है गेट एक्स मतलब गेट इंस्टेंट मार्जिन, क्लिक करेंगे। अब यहां क्लिक करने के बाद में आपको 16,925 की वर्थ के शेयर आपको आज कितने मिल रहे हैं, 13,540 रुपए में आपको रिसीवेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि कितने शेयर आपके वॉशलिस्ट में, मेरे शेयर में एक ही वॉशलिस्ट है, अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के मेरे को टिक करना है, और टिक करने के बाद कितने शेयर अनप्लेज करना है, तो प्रोसीड टू द प्लेज शेयर्स पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे कि हाँ भाई मेरे को क्लियरिंग हाउस में भेजना है। कितने शेयर आपको करने हैं, आप मान लो इसमें से आपको फॉर एग्जांपल 10 शेयर ही आपको प्लेज करने हैं, तो 10 शेयर के लिए आपको सिर्फ इतना ही मार्जिन मिलेगा। और जाके आप कंफर्म प्लेज रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, CDSL में जाएगा। CDSL में जाने के बाद जैसे आप CDSL में ट्रेड करेंगे वैसे आप OTP डालिए, आपका ये मार्जिन इमीडिएटली आपके मनी वाले सेगमेंट में मिल जाएगा इधर, राइट। और इसी तरीके से आपको जब ये चीज हो जाएगी तो आप गेटा इंस्टेंट प्लेज के अलावा यहाँ आपको लिखा होगा जो प्लेज का अमाउंट होता है वहां आप अनप्लेज भी कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, आप इसे दिन में कितनी बार भी कर लो इजीली मिल जाता है। ये सिस्टम आपके लिए उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जो जॉब करते हैं, इन्वेस्टिंग करके छोड़ देते हैं और उनके पास में एक्सेस अमाउंट नहीं होता और अपने ही प्लेज अमाउंट से ट्रेडिंग करना चाहता है, तब इजीली कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको काफी अच्छी चीज नॉलेज मिली होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लास्ट तक बैठने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएगा कि रवि भाई इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो लाते रहिए सो दैट हम चीजें समझ पाए। धन का प्लेटफॉर्म और भी फीचर्स आएंगे तो जरूर देखिएगा आप। धन्यवाद, जय श्री राम।